आज हम बात करने वाले हैं इंडक्शन क्लासेस के बारे में। जो भी इसका नया बच्चा एडमिशन लेता है तो उसके पास सबसे पहले ये जो होता है एक मैसेज आता है, कई बच्चों के पास आया भी होगा, इंडक्शन क्लासेस से रिलेटेड। ठीक है, हर एक के लिए इंडक्शन क्लासेस लेना जरूरी नहीं होता है। काफी सारे क्वेरीज थी इसके बारे में भी कि इंडक्शन क्लासेस लेनी जरूरी होती है या नहीं। जरूरी नहीं होती है, लेकिन अगर आप लेंगे तो उससे आपको काफी सारी जानकारी जो है मिल जाती है। जैसे इसमें ये वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर मैंने इसकी वेबसाइट ही खोली है। यहाँ पर इसमें जैसे ही क्लिक हम करते हैं यहाँ पर डिटेल्स में, तो ये सबके सब दिल्ली के जितने भी रीजनल सेंटर है दिल्ली वन के, और उनमें बता रखा है कि किस किस स्टडी सेंटर में कब कब क्लास जो है वो लगने वाली है। ठीक है, इंडक्शन क्लास। इसके अलावा आपके जो रजिस्टर्ड नंबर होता है, जो आपने एडमिशन करवाते वक्त रजिस्टर्ड नंबर करवाया होगा, उसमें भी आपको मैसेज जो है आ जाता है। अब इंडक्शन क्लासेस में पूछा क्या जाता है, देखिए इंडक्शन क्लासेस में सबसे पहले तो बताया जाता है इग्नू के बारे में, बताया जाएगा कि इग्नू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये सब। उसके बाद फिर उनको आपको टीचर से मिलवाया जाता है आपके स्टडी सेंटर के, कि इन इनसे आप अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। साथ में वहां पर टाइम टेबल भी दिया जाता है। ठीक है, वहां पर टाइम टेबल भी दिया जाता है कि इग्नू में आगे स्टडीज की क्लासेस कब कब लगेंगी। ठीक है, सैटरडे संडे में किस किस दिन क्लासेस लगेंगी या कैसे कैसे क्लासेस लगेंगी, तो उसका पूरा पर्चा लगभग 6 महीने से 1 साल का पूरा जो टाइम टेबल होता है वो आपको वहां पर वो भी देते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन क्लासेस में ये होता है। उसके बाद असाइनमेंट्स के बारे में बताया जाता है कि आपको हर साल जो है असाइनमेंट जो है बनाने होते हैं। असाइनमेंट के बारे में जानकारी होती है, क्योंकि पहली बार अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसको शायद असाइनमेंट के बारे में जानकारी ना हो, या उसके बहुत सही तरीके से असाइनमेंट के बारे में जानकारी दी जाती है कि आप असाइनमेंट जो है इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और आपको जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है उसका असाइनमेंट जो है देना जरूरी है। उसके बाद ही आप एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। एग्जाम दो जगह में कंडक्ट होते हैं, जून में भी होते हैं और दिसंबर में भी कंडक्ट होते हैं, ये बात बताई जाती है। साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इंडक्शन क्लास में जाने के लिए आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना चाहिए। ठीक है, आप अपना एडमिट कार्ड लेकर जाइए और फिर उससे जो है आपको एंट्री जो है वहां पर मिल जाती है। आपके स्टडी सेंटर में एक इंडक्शन मीटिंग की क्लास जो है वो लगती है। ये बेसिकली जो पहली क्लास होती है उसकी तरह होता है, इसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन आपको टाइम टेबल, शेड्यूल, असाइनमेंट्स के बारे में बताया जाता है, एग्जाम और टीचर से मिलना, इन सब के बारे में जो है बताया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जाना जरूरी नहीं होता है, जो जो चीजें बताई जाती हैं वो मैंने अभी आपको बताई ही थी कि ये सब चीजें बताई जाती हैं। थोड़ा छोटा मोटा फंक्शन भी होता है उसमें, कुछ लोग आते भी हैं जो इग्नू के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि इग्नू जो है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरे विश्व में फैली हुई है, इस तरह की बातें करते हैं। उसके बाद इग्नू का करिकुलम बताया जाता है कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। साथ में ये भी बताया जाता है कि अगर आप चाहें तो दूरदर्शन पे या आकाशवाणी पे इस तरह के प्रोग्राम्स भी रिलीज करता है इग्नू, जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताया जाता है कि आपको बुक्स जो है टाइम पर मिल जाएंगी, आप अगर बुक्स टाइम पर नहीं मिलती हैं तो आप रीजनल सेंटर जा सकते हैं। ये सब जो क्वेरीज होती हैं वो सब बताई जाती है। उसके बाद अगर कुछ बच्चे की भी अपनी क्वेरीज है जो वो पूछना चाहता है कि इग्नू में मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो है वहां पर वो बताया जाता है। ठीक है, ये सब जो है इंडक्शन मीटिंग में होता है। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।